नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। नवरात्र के आठवें दिन माँ गौरी की पूजा करने से आपको क्या लाभ होगा? क्या है माँ गौरी की पूजा का सरल विधान? घर में कन्या पूजन आप कैसे करें और किस राशि के लोग क्या उपाय करें, ये हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विशेष कार्यक्रम महागौरी पर। देखिए, नवरात्र के आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। शिव जी को पति रूप में पाने के लिए माँ ने कठोर तप किया था और तपस्या की वजह से माता का शरीर काला पड़ गया था। शिव जी ने प्रसन्न होकर के माँ को स्वीकार किया और उन्हें गौर वर्ण प्रदान किया, तभी से माता का नाम महागौरी पड़ गया। अब आइए आपको बताते हैं कि माता महागौरी का स्वरूप कैसा है। देखिए, माता महागौरी का स्वरूप अत्यंत शांत है। माता महागौरी गौर वर्ण की हैं और इनकी चार भुजाएं हैं। एक हाथ में माँ ने त्रिशूल रखा है और एक हाथ अभय मुद्रा में है। एक हाथ में माँ के डमरू है और एक हाथ वर मुद्रा में है। माँ महागौरी का वाहन वृषभ है। आपको ये बताते हैं कि यदि आप विधि विधान से नवरात्र के आठवें दिन माँ महागौरी का पूजन करते हैं तो आपको क्या लाभ हो सकता है। देखिए, जो लोग सच्चे मन से माँ का पूजन करते हैं तो माँ के पूजन से असंभव दिखने वाले कार्य भी संभव होने लगते हैं, यानी कठिन से कठिन कार्य पूरे हो जाते हैं। महिलाएं सुहाग की रक्षा के लिए माँ महागौरी का पूजन करती हैं और महागौरी को चुनरी अर्पित करती हैं। ऐसी परंपरा चली आ रही है। महागौरी की उपासना से शीघ्र फल की प्राप्ति होती है, यानी थोड़ी सी पूजा से माँ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देती हैं और मनोकामना को पूर्ण करती हैं। महागौरी का पूजन करने से जीवन से दुख और परेशानियाँ दूर होती हैं और हमारा जीवन सुखी होता है। तो आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे सरल तरीके से महागौरी का पूजन कर सकते हैं। देखिए, अगर आप महागौरी का सरल तरीके से पूजन करेंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। माँ तो भावनाओं को समझती है, तो आप क्या करें कि महागौरी का एक चित्र ले लें, माँ दुर्गा का चित्र ले लें, उसके सामने एक घी का दीपक जलाइए और माँ के स्वरूप का ध्यान करें। जो हमने आपको स्वरूप बताया उसका ध्यान करिए, फिर माँ को रोली अर्पित करिए, अक्षत अर्पित करिए, पुष्प अर्पित करिए और इसके बाद वहाँ पर बैठ करके दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए, या अगर दुर्गा सप्तशती आप पढ़ते तो वो पढ़ लीजिए। इसके बाद आरती करें और प्रसाद जो आपने रखा हुआ है उसका भोग लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बांट दें। कन्याओं को अवश्य जो है प्रसाद देना चाहिए, क्योंकि कन्याओं में देवी का वास होता है। आइए अब आपको बताते हैं कि नवरात्र के आठवें दिन आप कन्या पूजन कैसे करें जिससे कि माँ का आशीर्वाद आपको मिले। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले कन्याओं को घर आने का निमंत्रण दीजिए। आपके आस पास जो कन्याएं रहती हैं उनके परिवार वालों से मिलिए और उन्हें कन्याओं को अपने घर भेजने के लिए निमंत्रण दे के आइए। और जब कन्याएं आपके घर पहुँचें तो उनका बड़े प्रेम भाव से स्वागत करिए, कन्याओं के पैर धोइए और उन्हें आसन पर बिठाइए और देवी का स्वरूप मान करके कन्याओं का पूजन करें। कन्याओं को तिलक लगाइए और उनकी आरती करिए, कन्याओं को चुनरी भेंट करिए, कन्याओं को भोजन कराइए और दक्षिणा दीजिए। तो जैसा आपको अच्छा लगे, आप ये मान के चलिए कि देवी आपके सामने है, तो उस तरीके से आप कन्याओं का पूजन करिए और फिर घर से खुशी खुशी उनको विदा करिए। तो आप देखेंगे कि ऐसा लगेगा कि माता रानी आपके घर आई थी और प्रसाद लेकर के गई हैं। तो हमें जो है कन्याओं का पूजन नवरात्र के आठवें दिन करना चाहिए। कुछ परिवार में नवमी की परंपरा है नवमी पूजने की, तो वो नवरात्र के नौवें दिन भी कन्या पूजन कर सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि मेष राशि वालों के लिए सितारे क्या संकेत दे रहे हैं। देखिए, आपके लिए सलाह ये है कि फैसले लेने में बहुत ज़्यादा देरी ना करें। जो भी डिसीजन लेना है जल्दी लेंगे तो अच्छा रहेगा। और हाँ, अपने मन की बात सबसे शेयर ना करें, नहीं तो उससे कोई आपको फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान ही हो सकता है। नवरात्र के इस पावन अवसर पर आप क्या उपाय करें?
कोशिश करिए कि समय निकाल करके दुर्गा चालीसा का पाठ आप अवश्य कर लीजिए। एक बार जो है दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेंगे नवरात्र के आठवें दिन, तो माँ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। बारी आ गई है वृष राशि वालों की। वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है और सितारे आपके लिए संकेत दे रहे हैं कि किसी भी काम में जल्दबाजी से बचें। कार्यों में बाधाएं आएंगी, लेकिन आप ध्यान से अपने काम को करते रहिए, काम में लगे रहिए, खुद को काम में झोंक दीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। नवरात्र के इस पावन अवसर पर आप क्या उपाय करें, आप माँ के मंदिर जाइए और माँ को सिंदूर अर्पित करिए, चुनरी अर्पित करिए और माँ से निवेदन करिए, जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी मनोकामना है उसका निवेदन करिए, माँ आप पर कृपा करेंगी। बारी आ गई अब मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों को करियर में नए अवसर मिलेंगे। यदि आप कोई नया काम शुरू करने का मन बना रहे हैं, शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसके लिए समय अच्छा है, इस अच्छे समय का लाभ उठा लीजिए। बारी आ गई अब आपके उपाय की, तो देखिए आप मंदिर जाइए और माँ के चरणों में पेठे का प्रसाद अर्पित करिए, भोग लगवा करके सबको बांट दीजिए। बात करते हैं अब कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए सितारे संकेत दे रहे हैं कि अपने व्यवहार में नम्रता रखें, अपना व्यवहार अच्छा रखें और हाँ, यदि कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो अपने जीवन साथी की सलाह अवश्य ले लीजिए तो आपके काम बनेंगे। उपाय आप क्या करें, आप माँ के चरणों में चुनरी अर्पित करिए माँ दुर्गा को, तो माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी, माँ के आशीर्वाद से आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण होंगी। बारी आ गई अब सिंह राशि वालों की। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है और सितारे इस समय आपके लिए ऐसे योग बना रहे हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, काम करने के नए अवसर आपको मिल सकते हैं, उनका लाभ उठा लीजिए और अपने आप को अपने काम में व्यस्त रखने का प्रयास करिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उपाय आप क्या करें, आप माँ दुर्गा के मंदिर में जाइए और 1 किलो मिश्री का दान कर दीजिए और पंडित जी से कहिए कि प्रसाद के रूप में प्रतिदिन भोग लगा करके बांटते रहें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बारी आ गई अब कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, समय आपके लिए अनुकूल है, अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह से आप काम करिए तो बहुत अच्छा रहेगा और हाँ, किसी को पैसा उधार ना दें, नहीं तो पैसा फंस सकता है। उपाय आप क्या करें, आप खीर का भोग माँ दुर्गा के मंदिर में लगाएं और फिर प्रसाद बांटें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बात करते हैं आप तुला राशि वालों की। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है और सितारे इस समय संकेत दे रहे हैं कि परिवार में झगड़ा बढ़ सकता है, परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए आप अपनी तरफ से शांति का माहौल बनाए रखने का प्रयास करें तो सब कुछ अच्छा होगा। और जहाँ आप काम करते हैं तो अपने साथ काम करने वाले लोगों से मतभेद ना बढ़ने दें, मतभेद बढ़ेंगे तो टेंशन भी बढ़ सकती है। उपाय आप क्या करें, आप कन्याओं को केले का प्रसाद अवश्य बांटिए, तो आप क्या करें कि केला ले लें, कम से कम 1 दर्जन केला ले लें, माँ के चरणों में अर्पित करें, भोग लगाएं और फिर कन्याओं को बांट दें तो आपके लिए शुभ रहेगा, परेशानियाँ दूर होंगी। बारी आ गई है वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वाले अपने से उम्र में बड़ी महिलाओं को प्रणाम करके घर से निकलें। यदि आप किसी काम पर जा रहे हैं तो घर की जो बड़ी महिलाएं हैं उनका आशीर्वाद लेकर के जाइए, अपने बुजुर्गों का, फिर आप काम पर जाएंगे तो उनके आशीर्वाद से आपके काम बनेंगे, अचानक आपको धन मिल सकता है। समय संकेत कर रहा है कि अपने खर्चों को जो है कंट्रोल में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय आप क्या करें, आप माँ दुर्गा के मंदिर में एक नारियल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बारी आ गई अब धनु राशि वालों की। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति आपके लिए संकेत दे रहा है कि उन्नति के नए अवसर आपको मिल सकते हैं। काम का थोड़ा सा बोझ भी रहेगा लेकिन टेंशन से बचें, काम को टैकल करिए, अच्छे तरीके से करने की कोशिश करिए, टेंशन लेने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। उपाय आप क्या करें कि कन्याओं को पढ़ने लिखने की सामग्री दान करें, कॉपी पेन किताब जो भी आप देना चाहें तो कन्याओं को देंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा, माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। बारी आ गई अब मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए विदेश जाने के योग बन रहे हैं, परिवार में खुशहाली बढ़ेगी, आपके लिए समय अनुकूल है, इस अच्छे समय का लाभ उठा लीजिए और अपने परिवार वालों के साथ वक्त बिताइए तो बहुत अच्छा रहेगा। उपाय आप क्या करें, आप माँ दुर्गा के मंदिर जाएँ और धूप के पैकेट लेकर के जाएं और वहां पंडित जी को दे दें कि वो धूप
जला करके माँ की आरती करें। जब भी आरती करें तो धूप अवश्य जलाएं, इस तरह का निवेदन करिए पंडित जी से, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, माँ की कृपा प्राप्त होगी। बात करते हैं अब कुंभ राशि वालों की। आपके लिए सितारे संकेत दे रहे हैं कि आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आपका मान यश और बढ़ेगा, बस मेहनत से अपना काम करते रहिए। उपाय आप क्या करें, माँ दुर्गा के मंदिर में केले का प्रसाद चढ़ाएं और फिर गरीबों को बांट दें, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बात करते हैं अब आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति आपके लिए संकेत दे रहा है कि आपके जो भी काम अधूरे पड़े हैं उनमें अपने दोस्तों की सलाह को शामिल करके पूरा करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके काम पूरे हो जाएंगे। और हाँ, अपने खर्चों को कंट्रोल में रखिए, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो परेशानी हो सकती है। उपाय आप क्या करें, माँ दुर्गा के मंदिर में अच्छा सा सुगंधित इत्र अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको मिले, माँ की कृपा से आपके जीवन की परेशानियाँ दूर हों। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, मुझे दीजिए अनुमति। जय माँ दुर्गा।